को रोकना पड़ा। सुनिए पंकज सिंह को, 35A और 370 आर्टिकल की तरह ये इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएंगे। अहमदाबाद टेरर अटैक का नाम आ रहा है। कल प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में कहा कि जो परिवारवादी हैं, जो परिवार की बात करते हैं, उन्होंने संरक्षण दिया, उनके लोगों के साथ में फोटो भी आई जिसको अखिलेश यादव ने नकारा और उन्होंने कहा सबकी जाँच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखिए, अब वो तो सामने ही सब दिखाई दे रहा है इसमें, और मुझे लगता है बहुत खुलकर वो बोलने से इस बात पर बच भी रहे हैं। और वैसे भी पहले भी आपने देखा होगा तो जब यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए भी अलकायदा के आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की वकालत उन्होंने की थी, उनकी सरकार ने की थी। तो ये तो सब स्पष्ट है, ये सब बातें कि हमेशा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ ही रहा है और आतंकवादियों को ही सपा की ही नीतियों में पनाह मिलती हुई नजर आती है। तो इसीलिए ये विपक्ष या सपा इनको आतंकवाद में वोट और भाजपा के राष्ट्रवाद में इनको वोट दिखाई देता है, जिसको कि जनता बिल्कुल नकारने के लिए।